साउंड, टेक सेवन, एक्शन। असलियत ये है अंजना जी, अगर आप वॉशिंग मशीन में धुलकर गंगा जल बीजेपी का अपने ऊपर डाल लेंगे तो आप साफ सुथरे हो जाएंगे, अन्यथा आप भ्रष्टाचारी कहलाएंगे। तुम्हें कैसे पता चला? मैं आपसे एक छोटी सी बात कहकर अपनी बात खत्म करती हूँ। हम तो लगातार कह रहे हैं कि बीजेपी ज्वाइन कर लो, सारे दाग धब्बे धुल जाएंगे। वही काम हेमंत बिस्व शर्मा से लेकर नारायण राय, शुभेंदु अधिकारी, अशोक चव्हाण ने किया। लेकिन आज सवाल इस बात का है कि जो इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट है, आपके चैनल ने वो रिपोर्ट चढ़ाई, जो रिपोर्ट कहती है कि 25 में से 23 लोग शामिल है उनके खिलाफ कार्रवाई बंद हो गई। ये जो वॉशिंग मशीन मोदी जी चला रहे ना, उसका जवाब यही जनता देगी, और देखिए कितने प्रचंड तरीके से देगी। ठीक है, जवाब दीजिए इसका। देखिए, सबसे पहले आपके गले लग जाते हैं वो सारे के सारे साफ हो जाते। मजा नहीं आ रहा है, पिक्चर चालू करो बे। देखिए, सबसे पहले वॉशिंग मशीन की बात वो ना करे जो राजनीति का धोबी घाट बनकर उस आम आदमी पार्टी को लेते हैं जिनके लिए कहते थे कि ये खालिस्तानी है, उस आम आदमी पार्टी को ले लेते हैं साथ में गठबंधन में जिसको कहते हैं शराब घोटालेबाज है, उस डीएमके को साथ में ले लेते हैं जिसके लिए कहते थे कि डीएमके ने राजीव गांधी की हत्या की थी, अभी मजा आएगा ना भिड़ो, उस टीएमसी से समझौता कर लेते हैं जिसके लिए अभी भी अधीर रंजन चौधरी कहते हैं कि राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए, और उस केरल की लेफ्ट पार्टी को ले लेते हैं जिसके लिए कहते हैं कि ये फैसिस्ट है, डिक्टेटर है। और अंजना जी ध्यान दीजिए, मैं थोड़ा अपनी बात रख रहा हूँ, सुन लीजिए मेरी भी बात को। देखिए, हाथ उठाइएगा। देखिए, मैंने तो लगातार बात की मुद्दों की, मैंने बताया 25 करोड़ लोग गरीबी से कैसे निकले, मैंने बताया कि किस प्रकार से अर्थव्यवस्था आगे बढ़ी, परंतु ये व्यक्ति जब बोलती है कि भाषाई मर्यादा, मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ, इन्होंने 25 मार्च को कंगना रनौत को टारगेट करते हुए जो मंडी के ऊपर पोस्ट किया था, उन्होंने कहा था मेरे साथी ने किया, आज हो गई है 13 तारीख तो पता नहीं चला किसने उनके अकाउंट से किया, और जिनको अपने अकाउंट का पता नहीं वो देश के अकाउंट के बारे में क्या बोल सकते हैं, इस पर ही सवाल निशान खड़ा होता है। मजा आया। इसी बात मैं पूछा जाता हूँ। देखिए, आज मैंने आपको बताया कि 10 साल में हमारी सरकार ने क्या किया, परंतु इनकी सरकार आई हिमाचल में, इन्होंने कहा 1,00,000 सरकारी जॉब्स देंगे, प्रियंका वाड्रा का ये वादा था, तुरंत सुक्कू जी ने कहा नहीं दे सकते। महंगाई की बात की, 10% से ज्यादा इन्फ्लेशन रेट था 2010 से लेकर 14 तक, आज 5.5% है, पर इन्होंने 6 रुपए डीजल के हिमाचल में बढ़ा दिए। इन्होंने वादा किया था कर्नाटका में कि हम लोग 300 यूनिट फ्री देंगे, वहां पर बिजली के दाम बढ़ा दिए। अरे देवा, इसलिए मैं पूछता हूँ कि अपने वादे। और एक लास्ट बात, इन्होंने अभी एक मैनिफेस्टो जारी किया है अंजना जी, इन्होंने मैनिफेस्टो में लिखा है कि हम 1,00,000 रुपया प्रति महिला को देंगे। फिर जब प्रवीण चक्रवर्ती, जो इनके मैनिफेस्टो बनाने में शामिल थे, उनसे पूछा गया कि इसका खर्चा क्या आएगा, तो उन्होंने बोला 5,00,000 करोड़ 5 साल का, मतलब 1,00,000 करोड़ 1 साल का। मतलब 10 सेकंड, मतलब कि इस वादे के अंदर केवल 1 करोड़ गरीब महिलाएं, मतलब ये मानती है कि गरीबी रेखा इतनी कम हो चुकी है और गरीब लोग इतने कम हो चुके हैं कि केवल 1 करोड़ लोग हैं, पर ना इसका खर्चा बताएं कि 1,00,000 रुपए प्रति महिला कितनी महिलाओं को देने वाले। ये वही वादा है, 1,500 रुपए प्रति महिला को देंगे, हिमाचल में एक को भी नहीं मिला है। तो इसीलिए इनके वादे कैसे हैं, गरीबी हटाओ का नारा देते थे, गरीबी कभी हटा ही नहीं। जनता के सवाल हो, जनता के मुद्दे हो, तो आज तक जनता रहता है। अंजना, संदेश इस प्रवक्ता ने दिया, किसके मुद्दे की बात करी, मेरे अकाउंट से क्या हुआ, मैंने इलेक्शन कमीशन को एक्सप्लेन किया, इलेक्शन कमीशन ने मुझे नहीं, हमें बताइए भाषाई मर्यादा की बात इन्होंने की ना, इन्होंने भाषाई मर्यादा की बात करते हुए प्रधानमंत्री को लालच लगाया, अपनी भाषाई मर्यादा कहां है, इन्होंने मुझे टीवी डिबेट का ब्लडी फूल कहा, इन्होंने कंगना रनौत को और मंडी को बदनाम किया, ये गड़बड़ है बाबा। तो बताइए कि मंडी के विषय में और कंगना रनौत के विषय में क्या स्टैंड है, जवाब दे रहे हैं, जवाब दीजिए, फिर आगे जवाब होगा। मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं।